स्वागत है आपका ITI एग्ज़ाम के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज जो हमारी क्लास होने वाली है वो ITI फर्स्ट ईयर वालों के लिए होने वाली है, इलेक्ट्रिशियन के लिए। तो दोस्तों जो आपका चैप्टर है वैद्युतिक उपसाधन, इस चैप्टर जितने भी क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में इंपॉर्टेंट, वो हम इस क्लास में कम्प्लीट करने वाले हैं। टॉप 60 क्वेश्चन होंगे इस क्लास में, थोड़ी सी लंबी क्लास हो सकती है, ठीक है। तो दोस्तों क्लास स्टार्ट करने से पहले फिर से आपको थोड़ी जानकारी देना चाहता हूँ कि हमारे चैनल पर ITI एग्जाम के लिए ऑनलाइन तैयारी कराई जाती है। अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल के साथ जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें अपने दोस्तों में, यानी कि व्हाट्सअप ग्रुप में, व्हाट्सअप पे और फेसबुक वगैरह पे इस वीडियो का शेयर जरूर करें, ठीक है। जब भी क्लास खत्म हो जाएगी उसके बाद इसको वीडियो को शेयर जरूर करना दोस्तों, ठीक है। तो चलिए आज क्लास में स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है दोस्तों, जब भी आपके जितने भी, देखिए पहले मैं आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक, यानी कि चैप्टर वाइज आपके टॉप क्वेश्चन होते हैं जो एग्ज़ाम में, वो कंप्लीट करा रहा हूँ। उसके बाद जब आपके टॉपिक सभी खत्म हो जाएंगे, आपके कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद मैं आपके लिए प्रैक्टिस सेट लाऊंगा, ठीक, तो मिक्स क्वेश्चन का, ठीक है, जो आपके प्रीवियस क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं एग्जाम में और आगे पूछे जाएंगे, उसके बाद हम उन क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, ये जब आपके टॉपिक खत्म हो जाएंगे उसके बाद, ठीक है, ताकि आपकी जो एग्ज़ाम के लिए जो प्रिपरेशन है तैयारी है वो अच्छी हो सके, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि 3 पिन प्लग टॉप में अधिक पिन को मोटा करने का कारण है। 3 पिन प्लग में टॉप में अधिक पिन को मोटा करने का कारण है। ऑप्शन ए है आपका प्लग टॉप सॉकेट में भली प्रकार फिट हो सके, बी है अधिक क्षरण धारा वहन कर सके, सी है पिनों में भिन्नता दिखाई दे, या फिर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आपको राइट आंसर बताना है दोस्तों, इनमें से कौन सा क्वेश्चन आपका जो ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएगा, किसके साथ जाएगा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ, यहाँ पर जो राइट आंसर आपका वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा, अधिक क्षरण धारा वहन कर सके, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए पढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि 3 फेज लाइन में परिपथ को ऑन ऑफ करने के लिए सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाला स्विच है ICTP स्विच, या फिर बी है ऑप्शन है आपका ICDP स्विच, सी है 3 टम्बलर स्विच, या फिर डी नाइव स्विच। तो 4 प्रश्न आपके सामने है, आपको इसमें राइट आंसर बताना है किसके साथ जाएगा। तो जो आपका राइट आंसर जाएगा वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ, यानी कि ICTP, यहाँ पर राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है क्वेश्चन नंबर 3 कि लघु रूप परिपथ वियोजक का प्रयोग आवश्यक है। क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ कि लघु रूप परिपथ वियोजक का प्रयोग आवश्यक है। ऑप्शन ए है आपका मोटर जनरेटर की वायरिंग में, बी ऑप्शन है आपका टेस्टिंग बोर्ड की वायरिंग में, सी है आपका भवन के प्रत्येक कक्ष की वायरिंग में, या फिर डी उपरोक्त सभी में। तो आपको राइट आंसर बताना है, आपको कहाँ कहाँ जो प्रयोग होता है परिपथ का, वियोजक का, वो कहाँ कहाँ किस रूप में हम कर सकते हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने है, आपको राइट आंसर आपको बताना है किसके साथ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका राइट आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा, भवन के प्रत्येक कक्ष की वायरिंग में। 4 ऑप्शन आपके सामने, आपको यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। 4 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि बंद अति धारा बचाव द्वारा परिपथ के लिए केबल में आवश्यक धारा प्राप्त करने के लिए सामान्य धारा वहन क्षमता के रेटिंग फैक्टर का गुणांक होना चाहिए, वो कितना होना चाहिए। ऑप्शन ए है आपका 0.81, बी है 0.91, सी है 0.01, या फिर डी 1.23। 4 ऑप्शन आपके सामने है, आपको यहाँ पर राइट आंसर बताना है दोस्तों, यहाँ पर राइट आंसर किसके साथ जाएगा। तो जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ, यानी कि 0.81 आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 5वां क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि स्विच होल्डर सॉकेट प्लग इत्यादि बनाए जाते हैं। स्विच होल्डर सॉकेट प्लग इत्यादि किसके बनाए जाते हैं? तो माइका नाइट के बने होते हैं, या फिर बैगेलाइट के, या फिर एबोनाइट के, या फिर माइका के वह बने होते हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने है, आपको यहाँ पर राइट आंसर बताना है किसके साथ जाएगा। चलिए दोस्तों राइट आंसर बताइए। तो जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा आपका बैकेलाइट के साथ, बैकेलाइट आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बैकेलाइट यहाँ पर बैकेलाइट होगा ये,
ना कि बैकेलाइट यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए बढ़ते छठे क्वेश्चन की। छठा क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि एक लैंप को तीन स्थानों से नियंत्रित करने के लिए लगाए। ऑप्शन ए है आपका इंटरमीडिएट स्विच, बी है टू वे स्विच, सी ऑप्शन है आपका वन वे स्विच, ऑप्शन नंबर डी है आपका ये सभी। चार ऑप्शन आपके सामने है, आपको राइट आंसर बताना है किसके साथ जाएगा। तो यहां पर जो आपका राइट आंसर जाना चाहिए वो जाएगा इंटरमीडिएट स्विच के साथ, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इंटरमीडिएट स्विच यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। दोस्तों चलिए बढ़ते हैं सातवें क्वेश्चन की ओर। सातवें क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, लघु परिपथ ब्रेकर यानी कि एमसीबी, जो लघु परिपथ ब्रेकर है उसको क्या बोलते हैं। एमसीबी जो आपके घरों वगैरह में भी लगी होती है, का उपयोग नियंत्रण और सुरक्षा के लिए घरेलू और वाणिज्य प्रतिष्ठानों में किया जाता है। डबल पोल और ट्रिपल पोल एमसीबी की धारा की रेटिंग कितनी होती है। जबकि एमसीबी लगी होती है घरों में या फिर कहीं भी, तो उसकी जो रेटिंग होती है डबल पोल और ट्रिपल पोल की, तो वो कितनी होती है। 2.0 से 6 एम्पियर तक, बी है आपका 0.05 से 60 एम्पियर तक, सी ऑप्शन है आपका 5.0 से 60 एम्पियर तक, या फिर डी 6.0 से 100 एम्पियर तक। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, आपको यहाँ पर राइट आंसर बताना है कि किसके साथ जाना चाहेगा, आपका राइट आंसर किसके साथ जाएगा। दोस्तों चलिए राइट आंसर होते ये, तो जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा 5.0 से 60 एम्पियर तक। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा आपका, 5.0 से 60 एम्पियर तक, वह किसके लिए होगा, डबल पोल और सिंगल पोल की एमसीबी के साथ। इसकी रेटिंग क्या होगी, डबल पोल और सिंगल पोल की एमसीबी की रेटिंग कितनी होती है, 5.0 से 60 एम्पियर तक। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं आठवें क्वेश्चन की ओर। आठवां ऑप्शन आप लोगों के सामने है, इस प्रकार है कि एक तरफ के सर्किट को नियंत्रित करना हो तो काम में ले ही लेंगे। जो आपका सर्किट होता है इसको नियंत्रित करने के लिए किसका प्रयोग हम करेंगे, क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है। ऑप्शन ए है आपका वन वे स्विच, बी है टू वे स्विच, सी है इंटरमीडिएट स्विच, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, आपको यहाँ पर राइट आंसर बताने किसके साथ जाएगा। क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ कि एक तरफ के सर्किट को नियंत्रित करना हो तो काम में लेंगे। चलिए तो यहाँ पर जैसे हम इसका यूज़ करेंगे वो करेंगे आपका वन वे स्विच का, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। किसका प्रयोग करेंगे, वन वे स्विच का उपयोग हम करेंगे। ठीक है दोस्तों चलिए बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। तो नाइन नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि थ्री पिन सॉकेट में सबसे बड़ा छेद होता है। क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ दोस्तों कि थ्री पिन सॉकेट में सबसे बड़ा छेद होता है। आप सबके सामने है, आपको यहाँ पर राइट आंसर बताना है किसके साथ जाएगा। चलिए बताइए राइट आंसर किसके साथ जाएगा, आपको राइट आंसर बताना है। चलिए तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर जाएगा वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ, यानी कि अर्थिंग यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। अर्थिंग यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा आपका, अर्थिंग राइट आंसर होगा। चलिए पढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, इस प्रकार है देखिए कि विद्युत उपसाधनों में के टर्मिनल किस धातु के बने होते हैं। विद्युत उपसाधनों के टर्मिनल किस धातु के बने होते हैं। ऑप्शन ए है आपका पीतल, बी है तांबा, सी है स्टील, या फिर डी लोहा। तो आपको बताना है किस चीज़ के वह बने होते हैं। चलिए बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ, पीतल किसके बने होते हैं दोस्तों, पीतल के वह बने होते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उपसाधन जो विद्युत उपसाधन होते हैं किसके बने होते हैं, पीतल के बने होते हैं। ठीक है चलिए बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। तो 11वां क्वेश्चन आप लोगों के सामने इस प्रकार है देखिए कि एक फेज को नियंत्रित करने के हेतु प्रयुक्त स्विच है। एक फेज को नियंत्रित करने हेतु प्रयुक्त स्विच है। चार ऑप्शन आपके सामने है, आपको राइट आंसर बताना है। ऑप्शन ए है आपका रोटरी स्विच, बी है आपका नाइफ स्विच, सी है आपका फ्लैश टाइम सिंगल वे स्विच, डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं, आपको राइट आंसर बताना है किसके साथ जाएगा। दोस्तों चलिए आपको राइट आंसर बताना है।
तो यहाँ पर जो राइट आंसर जाएगा दोस्तों वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ, फ्लैश टाइप सिंगल वे स्विच, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए 12 ऑप्शन आप लोगों के सामने है कि उपसाधन का प्रकार है, उपसाधन का प्रकार है, ऑप्शन ए है आपका नियंत्रण उपसाधन, बी है आपका धारक उपसाधन, सी है सुरक्षा उपसाधन या फिर डी ये सभी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर बनेगा आपका वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ, ये सभी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए आपका चलते हैं आपके 13वें नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 13 ऑप्शन आप लोगों के सामने इस प्रकार है कि सॉकेट के अंदर लगी पिनें किसकी बनी होती हैं, जो सॉकेट होता है आपका उसके जो अंदर पिनें लगी होती हैं वे किस चीज़ की बनी होती हैं, कॉपर की, लोहे की, एल्यूमिनियम की या फिर ब्रॉन्ज की। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, आपको राइट आंसर यहाँ पर बताना है किसके साथ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, राइट आंसर बताइए। चलिए दोस्तों राइट आंसर बताना है आपको क्या होगा। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, नहीं है ऑप्शन नंबर डी यानी कि ब्रॉन्ज, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। जितने भी क्वेश्चन हैं आपके ये सभी आपके एग्जाम में आने के चांस बनते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये सभी आपके बुक से ही लिए गए हैं, ठीक है, कहीं बाहर से भी नहीं लिए गए, ठीक। और कभी कभी क्वेश्चन ये पूछे भी जा चुके हैं जिनमें से क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। तो इसलिए इन क्वेश्चनों को ध्यान से देखिए, ध्यान से समझिए और जो आपके लिए सीरीज चलेगी प्रैक्टिस क्वेश्चन की जो आगे चलाने वाला हूँ मैं, यानी कि जब आपके टॉपिक खत्म हो जाएंगे सभी उसके बाद जो आपकी सीरीज चलेगी क्वेश्चन के, वे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपके प्रीवियस उठाऊंगा मैं एग्जाम में पूछे गए हुए हैं, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिए, समझिए क्वेश्चन को। और हाँ एक बार फिर से मैं प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को शेयर जरूर करना, जब आपकी क्लास देख लोगे या फिर अभी वीडियो पॉज कीजिए और इस क्लास को शेयर करें अपने दोस्तों में, ठीक है, मेरी रिक्वेस्ट आपसे। और अगर से चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक। चलिए बढ़ते हैं 14वें नंबर क्वेश्चन की ओर। 14 नंबर क्वेश्चन वाला के सामने है कि रोटर स्विच प्रयुक्त युक्ति है, रोटर स्विच प्रयुक्त युक्ति है, ऑप्शन ए है आपका पंखा, बी है ग्राइंडर, सी है ए था बी दोनों या फिर डी हीटर। तो यहाँ पर जो राइट आंसर जाएगा जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी सी के साथ, यानी कि ए तथा बी दोनों, ठीक है। रोटर के स्विच क्या होते हैं, पंखे भी और ग्राइंडर, ठीक है, दोनों यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा, ए तथा बी यहाँ पर राइट आंसर होगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो 15 क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि दो तरफा फेज को नियंत्रण करने हेतु तो प्रयुक्त स्विच है, दो तरफा फेज को नियंत्रित करने हेतु प्रयुक्त स्विच है, ऑप्शन ए है आपका रोटर स्विच, बी है स्लाइड स्विच, सी है आपका टम्बलर टाइप टू वे स्विच या फिर डी नन ऑफ दिस। चार ऑप्शन आपके सामने है, यहाँ पर आपको राइट आंसर बताना है किसके साथ जाएगा दोस्तों। जहाँ राइट आंसर जाएगा वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ, यहाँ पर राइट आंसर जाएगा टम्बलर टाइप टू वे स्विच, यहाँ पर राइट आंसर होगा टम्बलर टाइप टू वे स्विच, ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर होगा, इसमें ऑप्शन में थोड़ी सी मिस्टेक थी, ठीक है, टम्बलर टाइप टू वे स्विच यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका। 16 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने, देखो देखिए कि जब धारा एक चालक से प्रवाहित होती है तो वह तत्व को जाती है, इस प्रभाव को क्या कहते हैं। चलिए आपको राइट आंसर बताना है, क्वेश्चन रिपीट करता हूँ फिर से कि जब धारा एक चालक से प्रवाहित होती है तो वह तृप्त हो जाती है, यहाँ पर जो तत्व है वो तत्व नहीं है बल्कि वो तृप्त है, ठीक है, तृप्त होगा वो, ठीक है। तो क्वेश्चन दोबारा से रिपीट कर देता हूँ कि जब धारा एक चालक से प्रवाहित होती है तो वह तृप्त हो जाती है, तो इस प्रभाव को हम क्या कहते हैं, चुंबकीय प्रभाव कहते हैं, तापीय प्रभाव कहते हैं, रासायनिक प्रभाव कहते हैं या फिर विद्युत स्थैतिक प्रभाव कहते हैं। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, आपको यहाँ पर राइट आंसर जो जिसके साथ जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा, यानी कि उसको क्या बोलते हैं, विद्युत स्थैतिक प्रभाव, यहाँ पर जो आपका है तत्व नहीं है वो तृप्त है, ठीक है, यहाँ पर तृप्त है, टाइपिंग थोड़ी सी मिस्टेक की गई है, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं इग्नोर करते हैं। तो 17वां नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि सीडीओ में बल्ब को जलाने में बुझाने में प्रयुक्त स्विच है। चलिए बताइए दोस्तों, क्वेश्चन फिर से रिपीट करता हूँ, जबकि सीडीओ में बल्ब को जलाने व
बुझाने में जो स्विच प्रयोग होता है आपने देखा होगा, ठीक है, वायरिंग की जाती है आपके घरों वगैरह में भी, जो सीढ़ियों की वायरिंग होती है, मैं सब बताऊंगा आपको कि सीढ़ी वायरिंग कैसे करनी है वगैरह वगैरह। जब आपके एग्ज़ाम नज़दीक होंगे मैं सब आपको कंप्लीट करा दूंगा ताकि आप भूलें मत, ठीक है। अगर मैं उस चीज़ को अभी करवाऊंगा तो आप भूल जाएंगे, ठीक है, तो इसलिए मैं उन चीज़ों को अभी नहीं करवाना चाहता, आप सब समझ जाएंगे, ठीक है। जितने भी चैप्टर हैं, जितने भी इसमें प्रैक्टिकल्स वगैरह हैं, चित्र वगैरह, डायग्राम्स वगैरह हैं, जितने भी इसमें दे रखे हैं, ठीक है, आप बुक्स में उठा कर देख लेना एक बार। तो उसमें जितने भी स्विच वगैरह हैं उनकी मैं एक सीरीज लाऊंगा, मतलब चित्र के अनुसार, ठीक है, आपको चित्र समेत में आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा, तो उससे आपको जल्दी समझ में आएगा, ठीक। बट अभी नहीं, अभी फिर आपको भूल जाएंगे एग्ज़ाम में जाने से पहले, ठीक है। तो इसलिए जब एग्ज़ाम आपके एमसीक्यू लगेगा कि एग्ज़ाम नज़दीक आने वाले हैं आपके, तब आपको ये सभी चीज़ें कंप्लीट की जाएंगी, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन फिर से रिपीट करता हूँ कि सीढ़ियों में बल्ब को जलाने के बुझाने के लिए प्रयुक्त स्विच होता है, वो किसका प्रयोग करते हैं, वो करते हैं आपका फ्लैश टाइप टू वे स्विच। तो यहाँ पर राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा, फ्लैश टाइप टू वे स्विच, ठीक है दोस्तों। तो 18 क्वेश्चन आप लोगों के सामने है दोस्तों, देखिए कि एक तरफा फेज के नियंत्रण में प्रयुक्त स्विच है। जो पीछे क्वेश्चन गया है वो आपको दो तरफा था, वो क्या था आपका, दो तरफा था, और ये क्या है आपका, एक तरफा, ठीक है। तो आपको इसमें डिफरेंस ध्यान रखना है, ठीक है। तो एक तरफा फेज में नियंत्रण में प्रयुक्त स्विच होता है, एक तरफा फेज के नियंत्रण में प्रयुक्त स्विच होता है इंटरमीडिएट स्विच, नाइफ स्विच, रोटरी स्विच, या फिर ट्रम्बलर टाइप सिंगल वे स्विच। तो यहाँ पर जो राइट आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा, ट्रम्बलर टाइप सिंगल वे स्विच यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो 19वां क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि जहाँ पर रोशनी का प्रभाव तिरछा रखना वहाँ पर प्रयुक्त होल्डर होगा। चार ऑप्शन आपके सामने है, क्वेश्चन फिर से रिपीट करता हूँ कि जहाँ पर रोशनी का प्रभाव तिरछा रखना होता है तो वहाँ पर जो प्रयुक्त होल्डर होता है हम किसका होल्डर का प्रयोग करते हैं, ठीक, जहाँ पर रोशनी का प्रभाव में तिरछा रखना हो। तो वहाँ पर जो ऑप्शन ए है आपका बैटन होल्डर, बी है स्क्रू टाइप होल्डर, सी है आपका एंगल होल्डर, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो चार ऑप्शन आपके सामने है, आपको यहाँ पर राइट आंसर बताना है किसके साथ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है ये, जितने भी क्वेश्चन आपके डेली वे में यूज़ होते हैं, ठीक है, आपको ध्यान नहीं, आप जल्दी जल्दी में कभी ध्यान नहीं देते होंगे, ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके डेली लाइफ से ही जुड़े हुए होते हैं कहीं ना कहीं, ठीक। तो यहाँ पर जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा, एंगल होल्डर स्विच आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी एंगल होल्डर। चलिए पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, 20वां क्वेश्चन, वायरिंग के लिए आवश्यक सामग्री है, वायरिंग के लिए आवश्यक सामग्री है। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, आप जवाब दे दिया होगा आपने, तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, तार भी होता है भैया, मीटर बोर्ड चाहिए होता है, मेन वे मेन स्विच भी चाहिए होता है वायरिंग के लिए, ठीक है, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, ठीक। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है 21वां, तो 21वां क्वेश्चन आप लोगों के सामने इस प्रकार आता है कि ऑयल सर्किट ब्रेकर का प्रयोग कितने किलोवाट की सप्लाई लाइन में किया जाता है। चलिए क्वेश्चन फिर से रिपीट कर देता हूँ कि ऑयल सर्किट ब्रेकर का प्रयोग कितने किलोवाट की सप्लाई लाइन में किया जाता है। ऑप्शन ए है आपका 220 किलोवाट, बी है 240 किलोवाट, सी है 11 किलोवाट, या फिर डी 33 किलोवाट। चलिए आपको यहाँ पर राइट आंसर बताना है किसके साथ जाएगा दोस्तों। चलिए चार ऑप्शन आपके सामने है, राइट आंसर बताइए। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ, 220 किलोवाट। राइट आंसर क्या होगा दोस्तों आपका, 220 किलोवाट, यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ यहाँ पर राइट आंसर चला जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, 22वां क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि उच्च वोल्टेज सर्किट ब्रेकर का इंसुलेशन प्रतिरोध का मान होता है। क्वेश्चन में फिर से रिपीट कर देता हूँ कि उच्च वोल्टेज सर्किट ब्रेकर का इंसुलेशन प्रतिरोध का मान होता है दोस्तों। चलिए ऑप्शन ए है आपका 10 ओम, बी है आपका 20 मिली ओम, सी है आपका 2000 मिली ओम, या फिर डी 1 किलो ओम। चलिए तो यहाँ पर जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर, यहाँ पर जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ, 2000 मिलियन। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है 23वां क्वेश्चन कि 2000 वाट के रूप वाट के रूम हीटर के लिए किस एम्पियर की एमसीबी की आवश्यकता होगी। चलिए बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, बताइए दोस्तों राइट आंसर आपको क्या होगा। तो ऑप्शन ए है आपका 5
एम्पियर, बी है 10 एम्पियर, सी है आपका 15 एम्पियर, या फिर डी 4 एम्पियर। तो यहाँ पर जिसका हम प्रयोग करेंगे वो करेंगे 5 एम्पियर की एमसीबी का प्रयोग यहाँ पर हम करेंगे। ठीक है दोस्तों, इसका यूज़ करेंगे 5 एम्पियर की एमसीबी का। चलिए बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। 24वां क्वेश्चन आप लोगों के सामने है दोस्तों। क्लास थोड़ी सी लंबी जा सकती है क्योंकि आपके क्वेश्चन भी ज़्यादा हैं। ठीक है, अब ये आपके चैप्टर इसी क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। जो अगली क्लास होगी उसमें हम नया चैप्टर डिस्कस करेंगे। ठीक, तो 24वां क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि चार टर्मिनल युक्त स्विच है। चार टर्मिनल युक्त स्विच है। ऑप्शन ए है आपका फ्लैश टाइप सिंगल वे स्विच, बी है फ्लैश टाइप टू वे स्विच, सी है इंटरमीडिएट स्विच, डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए आपको यहाँ पर राइट आंसर बताना है किसके साथ जाएगा दोस्तों। तो जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा, इंटरमीडिएट स्विच। यहाँ पर किसके साथ जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी के साथ यहाँ पर राइट आंसर दोस्तों आपका चला जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। तो 25वां क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, 25वां क्वेश्चन आप लोगों के सामने इस प्रकार है कि घरों में प्राय प्रयुक्त स्विच है। घरों में प्राय प्रयुक्त स्विच है। ऑप्शन ए है आपका बटन होल्डर, बी है एंगल होल्डर, सी है स्क्रू टाइप होल्डर, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। चार ऑप्शन आपके सामने है, आपको यहाँ पर राइट आंसर बताना है किसके साथ जाएगा दोस्तों। तो राइट आंसर जो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा, बैटन होल्डर यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन के। तो 26वां क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि 500 वाट के लैंप के लिए प्रयुक्त होल्डर है। 500 वाट के लैंप के लिए प्रयुक्त होल्डर है। ऑप्शन ए है आपका एंगल होल्डर, बी है आपका पेंडेंट होल्डर, सी है आपका स्क्रू टाइप होल्डर, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, आपको यहाँ पर राइट आंसर बताना है किसके साथ दोस्तों जाएगा। चलिए आपको राइट आंसर बताना है किसके साथ जाएगा। तो राइट आंसर आपका जाएगा स्क्रू टाइप होल्डर के साथ, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। चलिए 27वां क्वेश्चन आप लोगों के सामने है किस प्रकार है कि ए एस सर्किट ब्रेकर वोल्टेज के लिए प्रयोग किए जाते हैं। एयर सर्किट ब्रेकर किस वोल्टेज के लिए प्रयोग किए जाते हैं? 660 वोल्ट के लिए, बी है 90 वोल्टेज के लिए, 690 वोल्टेज के लिए, सी है 700 वोल्टेज के लिए, या फिर डी 790 वोल्टेज के लिए। चलिए आपको राइट आंसर पता नहीं किसके साथ दोस्तों जाएगा। चलिए राइट आंसर बताइए, ये वाट नहीं होगा, ये वोल्टेज होगा आपका। यहाँ पर ऑप्शन जो आपके ऑप्शन है यहाँ पर रॉन्ग है। यहाँ पर 660 वोल्टेज होगा, 690 वोल्टेज यहाँ पर होगा ऑप्शन, और सी ऑप्शन होगा आपका 700 वोल्टेज, और डी ऑप्शन होगा आपका 790 वोल्टेज। चलिए राइट आंसर दे तो किसके साथ जाएगा? तो जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ, यानी कि 660 वोल्टेज यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। 760 नहीं, 660 वोल्टेज। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने इस प्रकार है, देखिए 28वां क्वेश्चन कि निम्न वोल्टेज क्षमता का सर्किट ब्रेकर है। निम्न वोल्टेज क्षमता का सर्किट ब्रेकर है। ऑप्शन ए है आपका एयर सर्किट ब्रेकर, बी है ऑयल सर्किट ब्रेकर, सी है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, या फिर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। चार ऑप्शनों के सामने है, आपको राइट आंसर बताना है किसके साथ दोस्तों जाएगा। चलिए आपको राइट आंसर बताना है किसके साथ दोस्तों, ये क्वेश्चन आपका राइट आंसर लेकर जाएगा। चलिए बताइए, जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा, एयर सर्किट ब्रेकर यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर होगा, एयर सर्किट ब्रेकर। दोस्तों आपका 29वां क्वेश्चन आप लोगों के सामने, आपको इसका राइट आंसर बताना है क्या होगा कि स्क्रू टाइप होल्डर का चूड़ीदार भाग किसका बना होता है। स्क्रू टाइप होल्डर का चूड़ीदार भाग किस चीज का बना होता है? चलिए, बेकेलाइट का बना होता है, कॉपर का बना होता है, फ्लोरमेंट का बना होता है, या पर्सलिन का बना होता है? चलिए तो यहाँ पर जो राइट आंसर जाएगा पार्सलिन यहाँ पर राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा, पार्सलिन। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो 30वां क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि पीवीसी या इंसुलेटेड बॉडी वाले दो इंसुलेटेड उपकरणों के लिए कौन सी आउटलाइन सामग्री का प्रयोग किया जाता है। चार ऑप्शन आपके सामने है, आपको राइट आंसर दोस्तों बताना है।
ऑप्शन ए है आपका 3 पिन सर्किट, बी है 2 पिन सर्किट, सी है 3 पिन प्लग, या फिर डी 2 पिन प्लग। चार ऑप्शन आपके सामने है, आपको राइट आंसर बताना है किसके साथ दोस्तों यहाँ पर जाएगा दोस्तों। और ये क्वेश्चन आपका एनसीबीटी अगस्त 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है, एनसीबीटी 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है ये, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा, 3 पिन सर्किट यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो 31वां क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि शॉर्ट सर्किट होने से परिपथ सर्किट को बचाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग होता है। शॉर्ट सर्किट होने से परिपथ सर्किट को बचाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग होता है। ऑप्शन ए है आपका स्विच, बी है एमसीबी, सी है मीटर, या फिर डी आइसोलेटर। चलिए आपको राइट आंसर बताना है किसके साथ जब जाएगा। और ये क्वेश्चन आपका 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है, 2015 एनसीबीटी के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसका जवाब भी आपको पता होगा, यहाँ पर होगा आपका एमसीबी, एमसीबी का हम प्रयोग करेंगे, जो आपका शॉर्ट सर्किट होता है उसको बचाने के लिए एमसीबी का प्रयोग हम करते हैं अपने घरों वगैरह में भी, ठीक है। आपको ये बेसिक क्वेश्चन जानकारी आपकी आपको होगी दोस्तों। चलिए 32वां नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने कि दुर्घटना से बचने के लिए क्या राइटर नोट के अंदर एक एक्सेसरीज का प्रयोग करना अनिवार्य है। इस एक्सेसरीज का नाम क्या है। सीलिंग रोज है, बटन होल्डर है, ब्रेकर होल्डर है, या फिर 3 पिन प्लग है। एनसीबीटी 2015 में ये भी पूछा गया आपका क्वेश्चन है, अगस्त एनसीबीटी 2015। चलिए आपको राइट आंसर बताना है क्या होगा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर आपके यहाँ पर जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा, सीलिंग रोज। यहाँ पर राइट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं आपके 33वें क्वेश्चन की ओर, तो कि सर्विस फ्यूज का उपयोग किया जाता है। सर्विस फ्यूज का उपयोग किया जाता है, ये क्वेश्चन आपका एनसीवीटी 2017 का पूछा गया क्वेश्चन है, एनसीवीटी 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पर जो राइट आंसर जाएगा ऊर्जा मीटर और मुख्य स्विच से पहले, यहाँ पर दोनों ही आपके राइट आंसर हो जाएंगे। यहाँ पर इसमें होगा ऑप्शन हाँ सी, यहाँ पर राइट आंसर होगा ए तथा बी दोनों। इसमें किसका प्रयोग करते हैं, ऊर्जा मीटर का और मुख्य स्विच से पहले, ठीक है, इन दोनों का उपयोग इसमें किया जाता है। चलिए पढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर, 34वां क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि एक परिपथ में उचित प्रचालन सुनिश्चित करने के लिए एक फ्यूज को कैसे स्थापित किया जाना चाहिए। ऑप्शन ए है आपका बंद, बी है अपरिवर्तित, सी है ग्राउंड से शॉर्ट, या फिर डी खुला। चार ऑप्शन आपके सामने है, आपको यहाँ पर राइट आंसर बताना है किसके साथ दोस्तों जाएगा। चलिए राइट आंसर बताइए। तो यहाँ पर जो राइट आंसर दोस्तों जाएगा वो जाएगा आपका, जिसके ऑप्शन है वो थोड़े से बदले हुए हैं, यहाँ पर जो आपका होगा वो भार के साथ श्रृंखला होना चाहिए, ना कि इसमें जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो थोड़े चेंज किए हुए हैं, ठीक। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार फिर से कि एक परिपथ में उचित प्रचालन सुनिश्चित करने के लिए एक फ्यूज़ को कैसे स्थापित किया जाता है, ठीक। तो उसमें जो आपका ऑप्शन होगा वो होना चाहिए था यहाँ पर भार के साथ श्रृंखला, भार के साथ श्रृंखला, भार के साथ श्रृंखला यहाँ पर राइट आंसर दोस्तों होगा, ना कि इस ऑप्शन में, इसमें क्वेश्चन में ऑप्शन थोड़ा सा रॉन्ग है, ठीक। तो यहाँ पर इस पर ध्यान मत दीजिए, तो जो राइट आंसर आपका होगा वो जगह भार के साथ श्रृंखला, ठीक। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, तो अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है इस प्रकार है, 35 क्वेश्चन, इसमें थोड़ी दोस्तों टाइपिंग मिस्टेक हुई है, थोड़ा सा इग्नोर उसके लिए सॉरी, ठीक। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, तो 35वां क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि 200 वाट था 200 वोल्ट लैंप का प्रतिरोध होता है, कितना होता है। तो वो दोस्तों होगा आपका 200 ओम। ये क्वेश्चन आपका एनसीबीटी अगस्त 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है एनसीबीटी, ठीक है। चलिए इनको क्वेश्चन है इसलिए ध्यान से देखना, ठीक है, कभी कभी रिपीट हो जाते हैं क्वेश्चन साथ के साथ। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि नियमानुसार उपभोक्ता के परिसर में घोषित और वास्तविक वोल्टेज के बीच अधिकतम अनुमति योग्य भिन्नता होनी चाहिए। पॉजिटिव 6% होनी चाहिए
और ये आपका पॉजिटिव नेगेटिव यानी कि प्लस माइनस दोनों है इसमें, प्लस माइनस दोनों 6%, प्लस माइनस 8% या 5% या फिर 7%। तो जो राइट आंसर जाना चाहिए वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ प्लस माइनस 6% आपकी भिन्नता होनी चाहिए। ठीक, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। तो 37वां नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा लैंप न्यूनतम प्रतिरोध का होता है। निम्नलिखित में से कौन सा लैंप न्यूनतम प्रतिरोध का होता है। ऑप्शन ए है आपका 200 वोल्ट से 220 वोल्टेज तक, बी है 100 वाट से 220 वोल्टेज तक, या फिर सी है 60 वाट से 220 वोल्टेज तक, या फिर डी 15 वाट से 220 वोल्टेज तक। तो चार ऑप्शन आपके सामने है, यहाँ पर राइट आंसर बताना है कि दोस्तों किसके साथ आपका जाएगा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ 200 वाट से 220 वोल्टेज तक, यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगर 38वां नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि प्रैक्टिकल वोल्टेज स्रोत के आंतरिक प्रतिरोध को किसमें जोड़ा जाता है। प्रैक्टिकल प्रतिरोध के आंतरिक प्रतिरोध को किसमें जोड़ा जाता है। चार ऑप्शन आपके सामने है, आपको यहाँ पर राइट आंसर बताना था किसके साथ जाएगा दोस्तों। ऑप्शन ए है आपका श्रेणी क्रम, बी है समांतर क्रम, सी है श्रेणी या तो फिर समांतर क्रम, या फिर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा श्रेणी क्रम। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने इस प्रकार है, 39वां नंबर क्वेश्चन है कि पावर केबल में संचालन का आकार किस पर निर्भर करता है। पावर केबल में संचालन का आकार किस पर निर्भर करता है। ऑप्शन ए है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम वोल्टेज, बी है शक्ति कारक, सी है ले जाने वाली धारा, डी है उपरोक्त किए जाने वाली इंसुलेशन के प्रकार। तो यहाँ दोस्तों राइट आंसर आपका होगा वही होगा आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ ले जाई जाने वाली धारा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। चलिए दोस्तों ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए अगले आगे बढ़ते हैं। आगे आपका 40वां नंबर क्वेश्चन है इस प्रकार है कि सिंगल कोर को आमतौर पर किस की आमतौर पर के कारण आर्मर के साथ उपलब्ध नहीं कराया जाता। क्वेश्चन फिर से रिपीट करता हूँ कि सिंगल कोर केबलों को आमतौर पर किसके कारण आर्मर के साथ उपलब्ध नहीं कराया जाता। ऑप्शन ए है आपका आर्मर को अत्यधिक हदीन से बचाने के लिए, बी है केबलों की अधिक लचीला बनाने के लिए, या अधिक हाइड्रोस्कोपी केबल बनाने के लिए, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा, आर्मर को अत्यधिक हानि से बचाने के लिए। एनसीबीटी 2017 का पूछा गया क्वेश्चन है, एनसीबीटी 2017 में ये भी पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। चाहे तो अपनी बुक में भी उठाकर इस क्वेश्चन को देख सकते हैं आप। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो 41वां नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि विद्युत उपकरणों को वायरिंग की सुरक्षा से सुनिश्चित किया जाता है। विद्युत उपकरण को वायरिंग की सुरक्षा से सुनिश्चित किया जाता है। ऑप्शन ए आपका इंसुलेशन द्वारा, बी है अर्थिंग, सी है विद्युतिक प्रतिपथ में फ्यूज निर्धारण, या फिर डी उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा, उपरोक्त सभी यहाँ पर आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 42वां नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 42वां नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है कि घरेलू इंस्टॉलेशन में केबलों के साथ उपयोग किए जाने वाले निरंतर अर्थ तार का आकार किससे कम नहीं होना चाहिए। चलिए आपको राइट आंसर बताना है यहाँ पर किसके साथ जाएगा। तो राइट आंसर आपका SWG 14 आपका होगा और स्थापक चालक का आकार आधा होना चाहिए। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी के साथ यहाँ पर आपका राइट आंसर जाएगा, ए तथा बी दो बी दोनों यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं 43वां नंबर क्वेश्चन की ओर। तो लेड एसिड बैटरी में प्रयुक्त वैद्युतिक अपघट्य है। लेड एसिड बैटरी में प्रयुक्त वैद्युतिक अपघट्य है। ऑप्शन ए है आपका सिल्वर पोटेशियम साइनाइड, बी है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, सी है अमोनिया क्लोराइड, या फिर डी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो चार ऑप्शन आपके सामने है, आपको राइट आंसर बताना है किसके साथ दोस्तों ये जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो होगा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, यहाँ पर आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो 44वां नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने इस प्रकार है कि लिथियम सेल में पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के रूप में प्रयुक्त सामग्री है। लिथियम सेल में पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के रूप में प्रयुक्त सामग्री है। चार ऑप्शन आपके सामने, आपको राइट आंसर दोस्तों बताना है क्या होगा। चलिए तो यहाँ पर जिसका राइट आंसर जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा, कार्बन यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। कार्बन राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर कार्बन आपका राइट आंसर हो जाएगा। एनसीबीटी 2016 का पूछा गया क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्योंकि बैटरी की क्षमता व्यक्त की जाती है। बैटरी की क्षमता व्यक्त
की जाती है। वाट आवर में, एम्पियर पर सेकंड में, सी है एम्पियर आवर में या फिर डी किलोवाट में। तो यहाँ पर जो इसकी बैटरी की क्षमता मापी जाती है वो एम्पियर आवर में मापी जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा, एम्पियर आवर में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है 46 नंबर कि जब बैटरी को बहुत कम दर पर अर्थात सामान्य दर से 2 से 3% तक लंबी अवधि के लिए चार्ज किया जाता है तो इसे कहेंगे सतत धारा चार्ज, बी है ट्रिगल चार्ज, सी है सतत वोल्टेज चार्ज या फिर डी रेक्टिफायर चार्ज। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, आपको यहाँ पर राइट आंसर बताना है दोस्तों किसके साथ जाएगा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर जाएगा होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ, ट्रिगल चार्ज जिसको हम बोलते हैं जब उसको 2 से 3% लंबी अवधि तक उसमें चार्ज करते हैं बैटरी को। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी ट्रिगल चार्ज यहाँ पर राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो 47 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने कि लेड एसिड बैटरी में यह होगा बैकलिंग दोष का कारण है, सेल की लंबी अवधि के लिए डिस्चार्ज कंडीशन में रखना, बी है आपका प्लेटों के बीच शॉर्ट सर्किट होना, सी है ओवर चार्जिंग और डिस्चार्जिंग होना या फिर डी बैटरी पर ओवरलोड होना। ऑप्शन आपके सामने है, आपको यहाँ पर राइट आंसर बताना तो किसके साथ जाएगा, 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है एनसीईआरटी के द्वारा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा, ओवर चार्जिंग और डिस्चार्जिंग होना। राइट आंसर दोस्तों क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब 48 क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि 48 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सी विद्युतिक सामग्री कंट्रोलिंग एक्सेसरीज वर्गीकरण के तहत है। ऑप्शन ए है आपका थिन पिन वाला सॉकेट 16 एम्पियर से 240 वोल्टेज तक, बी है टू वे स्विच प्लस टाइप से 6 एम्पियर से 240 वोल्टेज तक, सी है बैटन लैंप होल्डर 6 एम्पियर से 240 वोल्टेज तक या फिर डी रिवायरेबल फ्यूज 5 एम्पियर तक। तो यहाँ पर दोस्तों आपको राइट आंसर जाएगा हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ, जो आपका टू वे स्विच और फ्लश टाइप 6 एम्पियर अपॉन 240 वोल्टेज तक। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी 6 एम्पियर से पर 240 वोल्टेज तक। ठीक, चलिए पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि 49 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि शॉर्ट सर्किट होने से परिपथ सर्किट को बचाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। शॉर्ट सर्किट होने से परिपथ सर्किट को बचाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। ऑप्शन ए आपका स्विच, बी है एमसीबी, सी है आपका मीटर या डी आइसोलेटर। चलिए ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो चुका है, आपको बताना है। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर होगा, आपको पीछे में करा चुका हूँ, क्वेश्चन रिपीट हुआ है मैं बता रहा हूँ, ये होगा आपका एमसीबी के द्वारा। चलिए बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। दुर्घटना से बचने के लिए राइडर नोट के अंदर एक एक्सेसरीज का उपयोग अनिवार्य है, इस एक्सेसरीज को क्या नाम देंगे हम। तो सीलिंग रोज कहते हैं, बटन होल्डर, ब्रेकेट होल्डर या फिर थ्री पिन प्लग। वो सब मैं बताऊँगा आपका, होल्डर कितने प्रकार के होते हैं और जब का जो आपका स्विच होता है वह कितने प्रकार के होते हैं सब बताऊंगा इसी वीडियो में लास्ट में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आपके क्वेश्चन की ओर। चलिए आपको यहाँ पर राइट आंसर बताना है क्या होगा दोस्तों। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी थ्री पिन प्लग, यहाँ पर राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने क्या होगा कि पीवीसी या इंसुलेट बॉडी वाले प्रवी इंसुलेटर उपकरणों के लिए कौन सी आउटलेट सामग्री का उपयोग किया जाता है। चलिए आपको राइट आंसर बताना है क्वेश्चन का क्या होगा कि पीवीसी या इंसुलेट बॉडी वाले द्वि इंसुलेटर उपकरणों के लिए कौन सी आउटलेट सामग्री का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है आपका थ्री पिन सॉकेट, बी है टू पिन सॉकेट, सी है थ्री पिन प्लग या फिर टू पिन प्लग। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा, थ्री पिन प्लग। राइट आंसर दोस्तों क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी थ्री पिन प्लग। चलिए 52 क्वेश्चन आप लोगों के सामने कि सिंगल पोल स्विच को जोड़ा जाता है, सिंगल पोल स्विच जोड़ा जाता है। ऑप्शन ए है आपका फेज से, बी है न्यूट्रल से, सी है अर्थ से या फिर डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों यहाँ पर जो आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा, फेज से। राइट आंसर दोस्तों क्या होगा आपका, फेज से। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन थे आपके जिसमें अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपके जो होते हैं आपका होल्डर होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो नंबर एक होता है आपका बैटन होल्डर बैकलाइट, नंबर एक क्या होता है आपका बैकलाइट होल्डर लाइट, आप लिख लीजिएगा मैं बता रहा हूँ आपको, यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रीन छोटी है इसलिए लिखा नहीं जाएगा। नंबर एक पे क्या होता है आपका बैटन होल्डर बैकलाइट, सेकंड नंबर पे आता है आपका ब्रॉन्ज बैटन होल्डर, थर्ड नंबर पे आता है आपका
आपका आता है ब्रेकेट होल्डर। फोर्थ नंबर क्वेश्चन पर आता है आपका होल्ड, जो आपका एंगल होल्डर होता है वो आता है। पांचवें नंबर पे आता है आपका एडिशन स्क्रू टाइप होल्डर। छठे नंबर पे आता है फ्लोरेंस ट्यूब होल्डर। और सातवें नंबर पे आता है आपका दोस्तों ट्यूब स्टार्टर होल्डर। यानी कि कहने का मतलब ये जो आपके होल्डर होते हैं वो कितने प्रकार के, क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि जब होल्डर होता है कितने प्रकार के होते हैं। नाम नहीं पूछता, सिर्फ ऑप्शन दे देता है 1 2 3 4। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका राइट आंसर कितना होगा, 7 प्रकार के आपके जो होल्डर होते हैं वो प्रमुख होते हैं। ठीक, जो आपका स्विच वगैरह होते हैं वो क्या होते हैं दोस्तों। नंबर एक होता है सिंगल वे स्विच, बी दूसरे नंबर पर आता है टू वे स्विच, तीसरे नंबर पर आता है आपका इंटरमीडिएट स्विच, फोर्थ नंबर क्वेश्चन पर आता है वाटर टाइप स्विच, पांचवें नंबर पे आता है आपका रोटरी स्विच, छठे नंबर पे आता है आपका स्लाइड स्विच, सातवें नंबर पे आता है आपका पियानो टाइप स्विच, आठवें नंबर पे आता है आपका बेड स्विच, और आपका 90वें नंबर पे आता है आपका ICTP मेन स्विच या फिर ICDP मेन स्विच, और 10वें नंबर पे आता है आपका नाइफ स्विच। तो इनकी जो होते हैं टोटल तो नहीं पूछता, लेकिन यहाँ से ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया था कितने प्रकार के होते हैं। तो ये कितने प्रकार के होते हैं आपके, 10 प्रकार के होते हैं स्विच। और होल्डर कितने प्रकार के होते हैं, 7 प्रकार के। ठीक है, तो इतना तो आप इसमें आपको ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, अब आपको बताना है जो क्वेश्चन यहाँ से भी कभी कभी बन जाता है, जो आपके MCB होती है दोस्तों, एम यहाँ पे लिखता हूँ MCB, इसको क्या बोलते हैं, जो MCB होती है उसको क्या बोलते हैं, चलिए आपको बताना है इसका पूरा नाम क्या होता है। इसको बोलते हैं मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, मिनिएचर यहाँ पे लिख देता हूँ मिनी एचर सर्किट ब्रेकर। अब की बार 2018 में इसकी फुल फॉर्म पूछी गई थी MCB की। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ क्या पूछी गई थी इसकी फुल फॉर्म, आप चाहे तो नोट कर लीजिएगा, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। क्या होती है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, क्योंकि अब की बार इसकी फुल फॉर्म पूछी गई थी, इसलिए मैं आपको ये जो पॉइंट है इंपॉर्टेंट वो इस टॉपिक से करवा रहा हूँ। ठीक है, और अब एक क्वेश्चन फिर से पूछना चाहता हूँ आपको। होता है जो एक लैंप होता है, मान लीजिए एक लैंप है और उसको 2 स्थानों से हम जोड़ रहे हैं। कोई लैंप मान लीजिए मेरे पास है और उसको हम दो स्थानों से जोड़ रहे हैं एक लैंप को। ठीक, एक लैंप को किससे जोड़ रहे हैं, 2 स्थानों से। मेरे पास लैंप है और इसको हम 2 स्थानों से हम जोड़ रहे हैं, तो उसमें कौन से स्विच का प्रयोग करेंगे उसको नियंत्रित करने के लिए। तो उसमें हम करेंगे दोस्तों टू वे स्विच का, टू वे स्विच का उपयोग हम करेंगे। ठीक है, इसका उपयोग करेंगे टू वे स्विच का उपयोग हम यहाँ पर होगा दोस्तों उसमें। तो दोस्तों अब बात आती है आपके फ्यूज़ के बारे में। फ्यूज़ के बारे में आपको थोड़ी जानकारी देना चाहता हूँ, आप USE यानी कि फ्यूज़ के बारे में थोड़ी सी आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि यह आपके कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों। जो फ्यूज़ होता है वो होते हैं आपके 3 प्रकार के। नंबर एक पे आता है आपका किट कैट फ्यूज़, किट कैट फ्यूज़। ठीक, और नंबर दो पे आता है आपका कटिंग फ्यूज़, कटिंग फ्यूज़। ठीक, नंबर चार तीन पे आता है आपका HRC फ्यूज़, HRC फ्यूज़। यानी कि जो फ्यूज़ होते हैं आपके वो होते हैं कितने प्रकार के, 3 प्रकार के दोस्तों होते हैं। तो हमने होल्डर कर लिए और स्विच कर लिए और आपके फ्यूज़ कर लिए, तो ये 3 आपके कंप्लीट हो चुके हैं। क्वेश्चन इन्हीं से पूछ लेता है कि फ्यूज़ कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, 3 प्रकार के आपके फ्यूज़ होते हैं। ठीक है, तो ये तो आपका चैप्टर हो गया हमारा कंप्लीट। ठीक, जो जिससे आपकी तैयारी अच्छी हो गई, और जो हमें मैंने बताया आपको जो चैप्टर हो गया आपके, जो मिक्स क्वेश्चन की जो क्लास लाऊंगा वो आपके जब आपके टॉपिक वाइज ये सभी चैप्टर आपके कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद मैं आपके लिए तो प्रैक्टिस सेट लाऊंगा जो प्रीवियस क्वेश्चन आपके पूछे जा चुके हैं। ठीक, उसमें आपको टेस्ट ही चलेंगे, आपके टेस्ट वगैरह होंगे। ठीक है, आपको उनमें आपको राइट आंसर जैसे पूछे जाएंगे आपको उसमें बताना होगा। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास तो हम यही समाप्त करते हैं, लंबी क्लास हो चुकी है आज की। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही। और इस वीडियो को शेयर जरूर करना, मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ, और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप चैनल पर नए हो तो। ठीक है, ताकि आपको जो हमारी क्लासेस हैं डेली ऐसे ही मिलती रहे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना दोस्तों, धन्यवाद।